अगर आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी इन भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है उसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको आगे दे दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि भारतीय तटरक्षक की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपके अगर आपके 157 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना किसी यहाँ पर दौड़ के भर्ती होने वाली है, यानी कोई रनिंग टेस्ट भी आपको यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगा। कितनी यहाँ पर आपके हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है ऑनलाइन मोड से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो उस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, और आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना अनिवार्य, यानी कि आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना अनिवार्य रहेगा। दौड़ आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी, यानी कोई रनिंग टेस्ट आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगा। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5600 से लेकर 205400 रुपये पर मंथ तक का पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके एज 18 ईयर से लेकर 25 के बीच में आती है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता दूंगा जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है। और आपको यहाँ पर एज में कोई छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी जो SST वालों को 5 छूट मिलती है, OBC वालों को 3 छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेगी, यानी जनरल, OBC, SC, ST आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको फिजिकल डिटेल पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर सभी जानकारी ले सकते हैं। इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, तब यहाँ पर आप इन्हें कोई और ID भी दे सकते हैं, उससे भी इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेरिट होगी, और उससे पहले आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जाम भी लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करने होंगे। अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। कब से कब तक करेंगे उसकी जानकारी मैं नोटिफिकेशन में दूंगा। और अगर आप हमारे ज्वाइन ग्रुप करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस भर्ती फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा।
ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, आने के बाद आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर रीड करनी होगी। उससे पहले आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जो टोटल वैकेंसी होगी 50 वैकेंसी दी गई, टोटल जो पोस्ट नेम होगा आप यहां पर चेक कर पाएंगे। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है। जो कैटेगरी वाइज आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है, जीडी जनरल ड्यूटी के लिए यहां पर आपको 40 वैकेंसी दी गई है। जो अदर वैकेंसी होगी उसमें आपको टोटल यहां पर 10 वैकेंसी दी गई है। सभी की सभी वैकेंसी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी राज्य से आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो भी आपको इस वेबसाइट में मेंशन किया गया है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पोस्ट के अनुसार ही आपको यहां पर बताया कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो यहाँ पर इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर दी गई है। 6 दिसंबर से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 17 दिसंबर तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा 28 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो जनवरी 2022 में आपको यहाँ पर वो भी करा दिया जाएगा। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिकर है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसमें न्यू इवेंट में आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर पहला ही नोटिफिकेशन यहाँ पर जो जारी हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।